बर्थडे का अपने अंदर उत्साह मनाना और इस तरह से उत्सव करना, ये कहीं पर भी कदाचित अध्यात्म दृष्टि से उचित नहीं लगता है। हो सकता है आपको भौतिक दृष्टि से उचित लगता हो, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते होंगे, अध्यात्म दृष्टि से ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगती। अध्यात्म दृष्टि से तो वो बात उचित लगती है जब से आपने अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति का सोपान तैयार करने के लिए आपने कोई प्रगति की हो, आपने अपने जीवन में कहीं से कोई आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कुछ अपने जीवन को अलग तरीके से कहीं पर चलाया हो, मोड़ा हो, भौतिक जीवन से हटकर के आप आध्यात्मिकता की ओर आए हो, असंयम से संयम की ओर आए हो, आपके अंदर कहीं राग मोह की कमी होने के बाद में विचार उपजा हो कि बस अब आज के बाद में हम अपना जीवन अपने लिए जिएंगे, हम अपने परिवार के मोह आदि राग आदि के चक्कर में न पड़ करके हम केवल अपने आत्मा की सार्थकता के लिए अपना जीवन जिएंगे, जहां से ये चीज शुरू होती है वहां से कुछ नया जीवन शुरू होता है। और ये जीवन उतना ही माना जाता है जितना आपने इतना जीवन जी लिया है। ये चीजें अगर हमारे दिमाग में रहती हैं तभी हमें जीवन की सार्थकता समझ में आ पाती है। वास्तव में आदमी की उम्र उतनी होती है जितना वह संयम के साथ जीना प्रारंभ करता है और जितना संयम से जी पाता है। असंयम की क्या उम्र गिनना, असंयम की उम्र तो अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल से यह जीव हमेशा असंयम ही रहा है। इसलिए जहां से संयम शुरू हो, सेल्फ कंट्रोल जहां से शुरू होता है, जहां से हम अपने आप पर कंट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, संयम जहां से शुरू होता है, जीवन की सार्थकता वहां से बनती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जहां से शुरू होता है, जीवन की सार्थकता वहां से बनती है।